मैं डॉक्टर आशीष खुराना, वाइस प्रेसिडेंट IMA सिरसा। एक हफ्ता नहीं, दो हफ्ता है, 1 से 14 तक हम 8 से 10 OPD बंद रखेंगे और विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक दिन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 दिन हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालनी है, 2 तारीख और 9 तारीख को, उसकी परमिशन हमने ले ली है, तो पीसफुल कैंडल मार्च निकालेंगे। और एक दिन हम लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, पूरा एक दिन बैठेंगे। 2 दिन हम लोगों ने दिल्ली में हमारे जो IMA हेडक्वार्टर्स है वहाँ जाकर हंगर स्ट्राइक करने का वो किया है। ये एक्चुअली है मिक्सोपैथी बोल रहे हैं इसको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें क्या है, जो BMS डॉक्टर्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत थोड़ी सी ट्रेनिंग करा के, ठीक है ना, 59 तरह की सर्जरी, 64 तरह की सर्जरी हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको करने की मंजूरी दे रहे हैं। तो अब इसमें तो आप लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हो। हम लोग इतने टाइम से 5.5 साल 6 साल MBBS में लगाते हैं, 3 साल की हम लोग MS करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे तो MCH भी करते हैं, उसके बाद और 2-3 साल लगते हैं। तो इतने साल में जो हम कला सीख रहे हैं, आप कैसे 2-3 महीने में किसी को सिखा सकते हो? तो ये तो आप किसी जनता, मतलब जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हो। और हम चाहते हैं जो ये मेडिसिन की जो प्योरिटी है इसको बिल्कुल एज इट इज़ रहने दो, और ये मिक्सोपैथी का जो विचार है इसको बिल्कुल तरह से आप बंद कर दें। तो सर पहले भी ग्रोथ जाहिर किया गया था और अब भी ग्रोथ चल रहा है, तो ये क्या बातचीत सुलझ नहीं पा रही है? नहीं नहीं, सुलझ नहीं पा रहा है, सरकार नहीं मान रही है, तो इसीलिए हम लोग अब अलग अलग तरह के ये जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार नहीं मान रही है। और सरकार के बीच में कोई बातचीत भी हुई है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेवल पे चल रही है, सेंट्रल लेवल पे चल रही है, IMA हेडक्वार्टर्स के लेवल पे ये चल रही है। तो सर कितने IMA के अंदर कितने हॉस्पिटल सिरसा में आते हैं जहाँ सुबह 8 से 10 बजे तक OPD बंद रहेगी? सारे के सारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स छोड़ के, जितने भी प्राइवेट एलोपैथी वाले MBBS से लेकर MD MS और MCH वाले जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट छोड़ के, वो सारे इवन ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी सारे IMA के अंदर ही आते हैं। तो सर अगर इन 2 हफ्तों के अंदर भी कोई समाधान नहीं निकलता तो आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे आंदोलन और हम लोग और बड़े लेवल पे करेंगे। ये तो हम लोगों ने सिर्फ झलकी दिखाई है कि 14 दिन में हम लोग ये कर रहे हैं, इससे और बड़े लेवल पे जाएंगे। जैसे भी निर्देश आएगा हमारा ऊपर से हेडक्वार्टर से, हम वैसे उसको फॉलो करेंगे।